हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्कोडा सुपर्ब के बारे में। तो स्कोडा सुपर्ब जो कि ये कार है, ये है पेट्रोल इंजन और इस कार में जो ट्रांसमिशन है वो है DSG7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इस कार में जो प्रॉब्लम है वो इंजन स्टार्ट करते ही एक आवाज़ आती है और ये कार आगे नहीं चल रही है डी शिफ्ट करने पर, स्पोर्ट्स मोड शिफ्ट करने पर या फिर मैनुअल मोड शिफ्ट करने पर ये कार बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही है गियर से, यानी कि इसका जो गियर है वो एकदम काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर बताया था इसका ट्रांसमिशन चेंज होगा, इसका मेगाटोनिक चेंज होगा, इसका डुअल क्लच वगैरह जो भी ख़राब हो गया ये सारे पार्ट इसमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। और काफ़ी हाई खर्चा था, जबकि एक तो टेक्नीशियन और थे उन्होंने भी चेक किया तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि इसके अंदर ये पार्ट खराब है, ये पार्ट खराब है। लेकिन अभी ये कार मेरे पास स्टो होकर आई हुई है नोएडा इंडिया से और इस कार में जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली शो करने वाला हूँ किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिपेयर करेंगे। एक एक मेजरमेंट हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप डुअल क्लच का मेजरमेंट कर सकते हैं इसके सिम का। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये स्कोडा ऑक्टेविया, स्कोडा सुपर्ब, स्कोडा लोरा, वोल्सवैगन वेंटो, पोलो GT और न्यू स्कोडा कोडियाक, ये इन सभी गाड़ियों में ये ट्रांसमिशन आता है, जहाँ तक कि कुछ कार में ऑडी में भी आता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि है स्कोडा सुपर्ब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए। ओके, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने खोला हुआ है इस कार का ट्रांसमिशन, इस जगह से कार से बिल्कुल अलग कर दिया। इस कार का जो ट्रांसमिशन था उसको हमने अलग कर दिया है और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इस कार की जो प्रॉब्लम है। तो ये है इस कार का ट्रांसमिशन और ये है इस कार की डुअल क्लच। तो अभी हम इसको डिसेंबल कर रहे हैं, निकालो इसको, बाहर निकालना है ना। तो इसको इस तरीके से हम डिसमेंटल कर देते हैं इसके सभी लॉक वगैरह हटा करके। तो काफ़ी बुरी तरीके से इसमें स्टक हो चुका है, इसका जो क्लच बेयरिंग है सीज होने की वजह से। तो ये है इसका डुअल क्लच, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकार हो चुका है, बर्नआउट हो चुका है। और ये है इसकी क्लच रिलीज बेयरिंग जो कि बिल्कुल एक तरीके से जाम होकर के टूट गई है। ओके, तो ये क्लच K1 और ये क्लच K2 बैरिंग जो कि आप इसके टुकड़े देख सकते हैं ये बेकार हो चुकी है। ओके, तो ये सारे पार्ट हमें इसमें रिप्लेस करने होते हैं। तो करेंगे हम इस कार की इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो यहाँ पर अभी हम इसके ट्रांसमिशन को पहले क्लीन कर रहे हैं अच्छे से पेट्रोल से। क्लीन कर लेना है और उसके बाद ही हम इसमें फिटिंग करेंगे इसकी न्यू डुअल क्लच। तो यहाँ पर अभी हमने इसके ट्रांसमिशन को अच्छी तरीके से पेट्रोल से क्लीन कर लिया है। ओके, और अभी हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे इसके न्यू क्लच बेयरिंग, क्लच फॉर्क और डुअल क्लच। तो ये किस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है ये आज हम आपको बताएंगे इस तरीके से वीडियो में। ओके, तो करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने इसका जो ट्रांसमिशन था इसको अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है हमने इसको अभी पेट्रोल से क्लीन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे इसमें क्लच K1 बेयरिंग और क्लच K2 बेयरिंग। और जो क्लच K1 और K2 का जो फॉर्क है वो इस जगह पर आपको ये दोनों पिन पर इस पर माउंट करना होता है और दो बोल्ट होते हैं यानी कि दो स्क्रू आपको इस जगह पर फिटिंग करने होते हैं क्योंकि 13mm के स्टार बिट से आपको टाइट करने होते हैं। और जो मेन पॉइंट है फॉर्क का वो इस जगह पर है, तो इस जगह पर आपको ग्रीस करके उसको फिटिंग करना होता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका न्यू क्लच और ओल्ड क्लच। तो जो न्यू क्लच है ये दो टाइप के क्लच आते हैं, तो जो बेसिकली क्लच K1 है वो होता है स्मॉल और जो क्लच K2 होता है वो होता है बिग साइज में। तो ये दो टाइप में क्लच आते हैं, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 का इसमें फ़र्क होता है। तो एक क्लच इस टाइप का आता है जो गाड़ी के अंदर से हम निकला हुआ है, वो क्लच ये वाला है पुराना ओल्ड क्लच। तो ये आप देख सकते हैं ये सेम क्लच है, लेकिन जो क्लच टाइप 2 आता है वो इस टाइप का आता है। ये इस क्लच पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी रिंग लगा के दी हुई है और इसके जो फिंगर हैं वो काफ़ी नीचे की साइड डाउन है और जो इसके फिंगर हैं वो काफ़ी ऊपर की साइड उठे हुए हैं। ओके, और जो फॉर्क है वो इस टाइप का है, यानी कि इसका नया फॉर्क है जो अभी हम इसमें फिटिंग करेंगे। और जो कार के अंदर से फॉर्क निकला है वो ये वाला है और इस साइड ये है इसकी पुरानी क्लच K1 बेयरिंग और ये है इसकी न्यू बेयरिंग। ये इसका हब, ये इसकी ओल्ड बेयरिंग और ये इसकी न्यू बेयरिंग। और ये है इसमें जो क्लच, तो जो आपका टाइप 2 वाला बेयरिंग होता है वो इस टाइप का आता है और जो टाइप 1 वाला बेयरिंग होता है वो इस टाइप से होता है, यानी कि यहाँ पर आपको ये दो फ्रिक्शन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको दोनों साइड सेम पोजिशन देखने को मिलेगी। तो ये दो टाइप के क्लच आते हैं जो भी डुअल क्लच आते हैं। तो ये दोनों डुअल क्लच मैंने आपको दोनों टाइप के दिखा दिए हैं, तो ये दोनों नए क्लच हैं
तो जो कार के अंदर से क्लच निकलता है सेम वही क्लच इसमें फिटिंग होता है। फिटिंग करने को आप ये वाला क्लच इसमें नहीं फिट कर सकते क्योंकि इसका जो बैरिंग है वो अलग डायमेंशन का है और जो इसका जो बैरिंग है वो अलग डायमेंशन का है। तो जो क्लच कार के अंदर से फिटिंग आता है कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग, वही क्लच आपको इस गियरबॉक्स में फिटिंग करना होता है। तो अभी करते हैं इस क्लच को फिटिंग, यानी कि ये क्लच दोनों सेम है, ये पुराना क्लच है ये न्यू क्लच है, तो इस न्यू क्लच को भी मैं फिटिंग करने वाला हूँ। और जो क्लच आता है ये आता है इस कंपनी का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो स्कोडा ऑडी वोल्सवैगन जो कंपनी क्लच देती है वो लो कंपनी का ही क्लच देती है। और ये इस बॉक्स के अंदर आता है और यहाँ पर आप इसका जो पार्ट नंबर है वो देख सकते हैं और जो MRP वगैरह है वो आप इस जगह पर देख सकते हैं। ओके, तो ये आता है 47,000 है। और यहाँ पर ये जो क्लच है इसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट रहता है और इसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये डिपेंड करता है आपकी कार में किस नंबर का क्लच लगेगा। और ये है कुछ इसकी बेसिक सिम जो कि आपको साइज मेंशन करके इसमें आपको चेक करना होता है कौन सा साइज का सिम आपको इसमें फिटिंग करना होगा। तो ये स्मॉल क्लच की बैरिंग है और सिम है। और यहाँ पर ये जो बैरिंग है ये है फ्ले व्हील का बैरिंग जो कि आपको ट्रांसमिशन के अंदर फिटिंग करना होगा। ओके, तो अभी हम ये क्लच टाइप 2 वाला जो क्लच है इसको हटा देते हैं अलग। ओके, और बाकी का फिटिंग करेंगे हम इसमें टाइप 1 का क्लच, यानी कि जो कार के अंदर से क्लच निकला हुआ है सेम क्लच हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं। तो इस जगह पर यह है इसका ट्रांसमिशन जो कि अभी हमने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। तो जो टाइप 1 का जो दूसरे टाइप का जो क्लच था उसको हमने हटा दिया है साइड में और अभी हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं इसका जेन्युइन पार्ट। तो ये जो पार्ट है पुराना ये मैं आपको इस साइड दिखा देता हूँ, उसको पलट करके एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो क्लच है कंपनी से कार के साथ जो क्लच आया हुआ है वो आया हुआ है LUK यानी कि लुक का, और सेम क्लच अभी हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं लुक। तो ये दोनों पार्ट सेम है, जो क्लच स्कोडा देती है वही सेम क्लच है, बट ये स्कोडा पैकिंग नहीं आता, ये लुक का ही क्लच आता है बेसिकली, क्योंकि स्कोडा हर चीज़ नहीं बता सकती, जैसे कि बैटरी हो गया, बैटरी एमरोन एक्साइड वगैरह देती है, इसी तरीके से ये क्लच लुक कंपनी बनाती है, तो स्कोडा लुक से क्लच लेती है। तो अभी हम इस पार्ट को फिटिंग करते हैं इस ट्रांसमिशन में। तो करते हैं अभी इस कार में इसकी डुअल क्लच फिटिंग। तो सबसे पहले हम इसमें फिटिंग करेंगे इसके क्लच वायरिंग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें 2 बोल्ट और इस जगह पर हम लुब्रिकेशन करेंगे और इस पॉइंट पे हम लुब्रिकेशन करेंगे। तो ये पार्ट है इसका ओल्ड यानी कि इसकी पुरानी वायरिंग है और ये इस साइड है इसकी न्यू वायरिंग। तो अभी हम इसमें ये न्यू वायरिंग को फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो लुब्रिकेशन करना होता है इन 2 पॉइंटों पर करना होता है इस साइड। ओके, तो इसको अभी इस तरीके से फिटिंग करना होता है। तो ये इस तरीके से आपको इसका जो क्लच वायरिंग है इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपको नीचे की पॉइंट पर दोनों बोल्ट लगाने होते हैं। तो ये हैं इसके न्यू बोल्ट, दोनों बोल्ट हम इसमें डाल देते हैं। तो ये टोटल जितने भी नए बोल्ट वगैरह हैं सारे कुछ आपको इसके क्लच किट के साथ में आते हैं। तो अभी हमने इस पार्ट को फिटिंग कर दिया है और इसके दोनों बोल्टों को टाइट कर दिया। तो इस जगह पर अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसका दूसरा न्यू फॉर्क। तो ये इसका न्यू फॉर्क है और इस साइड ये है इसका पुराना फॉर्क। तो आप पुराना फॉर्क देख सकते हैं, ये इस जगह पर बिल्कुल बेकार हो चुका था ये साइड वायरिंग की वजह से, क्योंकि इसके वायरिंग और क्लच ख़राब होने की वजह से ये इसके चेसिस और काफ़ी हीट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से लगाना होता है। तो इसका जो पॉइंट है वो इस जगह पर है और सेकंड पॉइंट है आपका इसका इस साइड अंदर की साइड में। तो अभी हमने इसमें दोनों फॉर्क को फिटिंग कर दिया है और यहाँ पर अभी हम ये लगाएंगे इसकी, ये कुछ बैरिंग की सिम होती हैं, ये सिमें आपको एडजस्टमेंट के लिए लगानी होती हैं। तो इसमें सभी साइजों की सिमें आती हैं। तो ये साइज है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस किस तरीके से हैं। तो इससे में आप देख सकते हैं ये मोटे साइज़ की है, ये काफ़ी इसकी थिकनेस है काफ़ी ओवर है और ये काफ़ी स्मॉल साइज की है। तो इस सिम में और इस सिम में आप डिफरेंट देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटे साइज़ की है और ये काफ़ी पतले साइज़ की सिम है। तो ये आपको सिम जो होती है इसका मेजरमेंट करना होता है। ओके, तो ये मेजरमेंट किस तरीके से करना होता है ये भी हम आपको बताएंगे अभी। ये देख सकते हैं अलग अलग साइज़ की डिफरेंट साइज़ की सिम है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम जो इसमें सिम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे वो करेंगे एक स्टैंडर्ड साइज़ की। तो यहाँ पर अभी हमने इसके जो
बैरिंग के फ़ोर्क हैं, यानी कि ये कलच के A1 और कलच के A2 के जो फ़ोर्क हैं वो हमने लगा दिए हैं इस जगह पर ग्रीस करके, और यहाँ नीचे की साइड हमने ग्रीस करके। तो अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसके कलच के A1 और K2 के बैरिंग। तो एक छोटा बैरिंग है और एक ये बड़े साइज़ का बैरिंग है। तो यहाँ पर आप बैरिंग पर देख सकते हैं एक साइड में दो डॉट दिए हुए हैं, यानी कि दो होल्स हैं, और इस साइड एक ये आपको रखना होता है इसके इस साइड में, और जो गोल वाले हैं ये आपको रखने होते हैं इसकी इस राइट साइड में, यानी कि ये बॉल बैरिंग की साइड। ओके, तो ये अभी मैं आपको एक बार एक फ़ोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको बैरिंग फिट करना होता है वो करना होता है ये बड़ा वाला बैरिंग। ओके, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये गोल वाला जो एरिया है ये आपको इसके इस बैरिंग की साइड में लेना है, यानी कि जिस साइड इसमें ये बॉल दी हुई है, और इसको आप इस तरीके से फिटिंग कर दें। ओके, तो ये इस तरीके से आपको लगाना होता है, लेकिन इसको लगाने से पहले आपको हल्का सा इसके पीछे बैक साइड, यानी कि ये गोइल वाली साइड, यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप ऑयल या ग्रीस का यूज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का लाइट आपको इसमें ऑयल या ग्रीस लगाना होगा। तो ये इस तरीके से हमने इस पर ग्रीस या ऑयल लगा दिया है, इसको अभी हम फिटिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो बैरिंग है इसको फिटिंग करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, ये छोटा सा इस जगह पर एक पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि ये लॉक है ये, जिससे कि ये बैरिंग बाहर ना निकले, और सेम लॉक इस साइड भी दिया हुआ है। तो इसको आपको इस तरीके से फिटिंग करना होता है, ये कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इस लॉक के अंदर इस तरीके से ये स्लाइड करना है, और यहाँ बॉल बैरिंग वाली साइड में आपको यहाँ पर इस तरीके से रख के इसको नीचे पुश करना है, तो ये इस तरीके से लॉक में फिक्स हो जाता है। और अब मैं अगर इसको ऊपर की साइड इस तरीके से खींचता हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको ऊपर की साइड पुल कर रहा हूँ तो ये बाहर बैरिंग नहीं निकल रहा है। तो ये इस तरीके से आप इसका जो बड़ा वाला बैरिंग है इसको फिटिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी बारी आती है इसके ऊपर सेकंड स्मॉल बैरिंग फिटिंग करने की। तो ये है इसका छोटा वाला बैरिंग, तो इसको आपको इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग करना होता है, लेकिन इसको बैरिंग को लगाने से पहले इसके ऊपर आपको लगानी होती है यहाँ नीचे 1.7 mm की एक, तो अभी हम यहाँ पर लगाएंगे इसकी एक 1.7 mm की एक स्लिप, यानी कि इसमें एक नीचे सिम। तो वो सिम आपको किस तरीके से मेजरमेंट करनी है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की ये काफ़ी सिम आती हैं। ओके, तो इन सिम को आपको चेक करना होता है ये वर्नियर गेज से। तो वर्नियर गेज से आप इसकी सिम के साइज़ को चेक करेंगे, तो जो 1.6 से लेके 1.7 mm की जो सिम होगी वो सिम आपको लगानी होती है। तो लगाते हैं उस सिम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें 1.63 mm की इस सिम को मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो ये काफ़ी सिम जो है ये आप देख सकते हैं इससे काफ़ी ओवर हैं, यानी कि काफ़ी मोटी मोटी सिम है, और यही मेरे को सेम साइज़ मिला हुआ है जो इसमें रिकमेंड होता है कंपनी की सेटिंग के हिसाब से। ओके, ये भी काफ़ी ओवर है और ये कुछ ज़्यादा ही पतली सिम है। ओके, तो अभी हम लगाते हैं इस सिम को इस बैरिंग की लॉक के ऊपर। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको इसमें कट में फिक्स करनी होती है इसकी सिम। ओके, तो ये इस तरीके से आपको इसमें कट में फिक्स करनी होती है इसकी इस सिम को, और इसके ऊपर अभी हम लगा देते हैं इस कलच बैरिंग को। तो ये आपको इस तरीके से फिटिंग करनी होती है। तो कलच बैरिंग में भी आपको ये कट देखने को मिलते हैं, यानी कि ये इसी जगह पर आपको फिटिंग करनी होती है। ओके, और अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर इसकी बड़ी वाली बैरिंग की सिम। तो बड़ी वाली इस बैरिंग की सिम भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की है बैरिंग की सिम होती हैं, तो ये सब बड़े बड़े साइज़ की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर इस एरिए को, ये कोई ज़्यादा मोटा है, ये कुछ पतला है, ये थोड़ा सा और बीच वाले साइज़ का। तो यहाँ पर आपको जो इसमें यूज करनी होती है वो भी आपको 1.6 mm की, या मैक्सिमम आप इसमें 2 mm की सिम यूज कर सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पर भी इसको 1 year कैसे चेक करेंगे 2 mm की सिम, और 2 mm की साइज से ही हम इसमें चेक करके लगाएंगे। तो चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सिम है ये आप देख सकते हैं 1.99, यानी कि 2 mm की सिम है। ओके, तो अभी हम इस बड़ी वाली सिम को लगा देते हैं इस बैरिंग के ऊपर इस तरीके से। तो ये सिम हमने अभी इसमें दोनों सिम लगा दी हैं इस तरीके से, यानी कि जो छोटी वाली बैरिंग की सिम थी वो हमने बैरिंग के नीचे डाली थी, लेकिन जो बड़ी वाली बैरिंग की सिम थी वो हमने बैरिंग के ऊपर डाली है, क्योंकि तो इसकी जो शेप होती है वो बैरिंग की टाइप जैसी डिज़ाइन जैसी होती है, यानी कि कॉलर टाइप में होता है। तो इसको इस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है इस तरीके से, और जो छोटा वाला बैरिंग है वो भी फिटिंग हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर रखेंगे इसका क्लच बैरिंग, यानी कि इसका मेन डुअल क्लच, इसके ऊपर हम फिटिंग करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, यानी ये वाला जो एरिया है ग्रुप वाला, ये देखिए, ये इसकी इनपुट शाफ्ट है और ये भी इसकी इनपुट शाफ्ट है। तो अगर आप इसको इस साइड राइट साइड टर्न करते हैं तो नीचे वाली शाफ्ट है वो लेफ्ट साइड में टर्न होती है, और अगर आप इसे लेफ्ट साइड टर्न करनी है तो वो राइट साइड टर्न होती है। तो ये आपको इसमें चेक करना है, दोनों शाफ्ट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। तो दोनों शाफ्ट बिल्कुल फ्री हैं, ये देखिए, मैंने अभी ऊपर वाली शाफ्ट घुमाई थी तो नीचे वाली शाफ्ट घूम रही थी, और नीचे वाली शाफ्ट घुमाने से ऊपर वाली शाफ्ट रोटेट हो रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, अगर आपकी शाफ्ट ऊपर वाली आप घुमाते हैं और नीचे वाली शाफ्ट नहीं घूमती है तो ये ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम है, या तो
ये वाली जो शाफ्ट है वो नीचे की तरफ जा चुकी है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें आपको फिटिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। ओके, तो दोनों शाफ्ट को इस तरीके से फ्री होनी चाहिए, ये शाफ्ट भी फ्री होनी चाहिए और ये शाफ्ट भी फ्री होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी शाफ्ट जाम होगी तो प्रॉपर गियर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर अभी हम फिटिंग करेंगे इसमें से डुअल क्लच को। तो ये आपको इस तरीके से फिटिंग करनी होती है। यहाँ पर जो सिम का मेजरमेंट है, ये देखिए मैक्सिमम ये सिम का मेजरमेंट दिया हुआ, क्लच K1 0.00 गैप होना चाहिए और क्लच K2 में भी 0.00 गैप होना चाहिए, यानी कि दोनों सिम में आपको बराबर ही गैप रखना होता है दोनों क्लच प्लेट में। ओके, तो ये आपको उसमें मेजरमेंट करना होता है। तो अभी हम फिटिंग करेंगे इसके ऊपर इसकी डुअल क्लच। तो करते हैं इस क्लच को फिटिंग। तो इस साइड है ये इसके फिंगर, यानी कि ये क्लच के फिंगर हैं इस साइड। ओके, और इस साइड ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये फिटिंग है इसकी, एक क्लच K1 क्लच और इसके दूसरी साइड फिटिंग है इसकी सेकंड क्लच। तो ये दो क्लच होती हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं एक क्लच में इसमें अभी प्ले प्ले हिला रहा हूँ इसको। ओके, और अभी मैं आपको इसमें दूसरी क्लच को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरी क्लच भी इस जगह पर हिल रही है। ये वाइट वाला जो पॉइंट आप देख सकते हैं ये क्लच प्लेट का है, ये वाला पॉइंट, ये देखिए अभी मैं इस वाली क्लच को हिला रहा हूँ। ओके, और जो नीचे जो क्लच है दूसरा वाला वो इस जगह पर आप देख सकते हैं सामने वाला क्लच। ओके, तो टोटल ये दो क्लच होते हैं एक ही पैक के अंदर, तो ये इसको हम डुअल क्लच बोलते हैं इस तरीके से। तो एक क्लच काम करता है ऑड वाले गियर को शिफ्ट करने का और एक काम करता है इवन वाले गियर को शिफ्ट करने का, जो कि अभी आपको हम फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं। और अभी हम फिटिंग करते हैं इसके ऊपर इसकी डुअल क्लच। तो यहाँ पर अभी हम इस लुब्रिकेशन से इसकी जो गियर वाली ये रॉड है इस पर हल्का हल्का हम लुब्रिकेशन कर देते हैं इस तरीके से, जिससे कि जो क्लच है वो ग्रुप में आसानी से बैठ जाए। और जो बैरिंग वाली जगह है इस जगह भी आपको इसमें हल्का सा लुब्रिकेशन करना है, जिससे कि जो क्लच है बिल्कुल आसानी से बैठ जाए, उसमें ज़रा भी कोई हार्डपन या टाइटपन ना रहे लगाते टाइम, क्योंकि जितने प्यार से इजीली क्लच इसमें बैठेगी उतनी प्यार से इजीली आप उसको सिम को एडजस्टमेंट करने के लिए निकाल सकते हैं। तो जो क्लच है ये आपको इस तरीके से फिटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर अभी हमने देखिए इसका जो क्लच था उसको फिटिंग कर दिया है, और इस जगह पर आप ये लॉक की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्लच है इसका वो परफेक्टली इस जगह तक आ चुका है, यानी कि जिस जगह पर इसमें लॉक फिक्स होता है। तो ये है इसका लॉक, जो कि अभी हम इस जगह पर फिटिंग करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसका जो डायमेंशन है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अभी मैंने इसको 0 किया हुआ है और नीचे वाला जो क्लच है वो उस जगह पर हमने इसको टच किया हुआ है। तो अभी हम आपको उसको चेक करा देते हैं। ये देखिए हमने इस जगह पर ये वायर लगाया इस तरीके से। ओके, और यहाँ ये देखिए अभी मैंने इसको पूरा ऊपर की साइड उठाया हुआ, तो ये 0.5 तक आ चुका है, तो ये हमारा 0.7 के अंदर अंदर रहना चाहिए। ओके, ये देखिए इस तरीके से आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये 0.5 पे आ चुका है, यानी कि एकदम ये 0.7 के अंदर ही अंदर है, तो ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं आपको ऊपर वाली क्लच को चेक करा रहा हूँ, तो इसको भी हमने 0.5 पे लिया हुआ है, यानी कि हमने ये दोनों क्लच का डायमेंशन है वो सेम साइज पे लिया हुआ है, जो इसका सिम का कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम लिया हुआ है। तो मैक्सिमम आपको ये 0.7 के अंदर रखना होता है। तो दोनों क्लच जो है बिल्कुल एक जैसी एक्यूरेट एक तरीके से फिक्स हैं। ये देखिए अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो आप नीचे वाली क्लच पर देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्टली काम कर रही है, कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस साइड आप ये इसके फॉर्क देख सकते हैं अंदर की साइड, ये देखिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कहीं कोई हार्ड या लूजपन नहीं है। ओके, एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसकी क्लच को फिटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारा सेकंड स्टेप है इसके लॉक को लगाना, तो इस लॉक को हम इस जगह पर फिटिंग कर देंगे। अभी इसको फिटिंग करने के बाद ये लगाने वाले हैं इसका ये लॉक, तो इस लॉक को हम इस जगह पर फिटिंग कर देते हैं। तो ये लॉक आपको इस प्लायर की हेल्प से इसको लगा देना है। तो ये देख सकते हैं आप लॉक बिल्कुल एकदम परफेक्टली लग चुका है, और इसको एक बार और आपको चेक कर लेना है बारीकी। ओके, और अभी हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसका क्लच हब। और तो ये है इसका क्लच का पुराना हब। ओके, जो कि यहाँ पर इसमें फिटिंग होगा मेन शाफ्ट में इनपुट शाफ्ट पे, और ये है इसका न्यू क्लच हब। तो इसको आपको किस तरीके से फिटिंग करना है ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप इस क्लच हब पे कि ये इस तरीके का कलर का कोड देख सकते हैं, यानी कि एक लाइन दी हुई है कलर की। इस कलर की लाइन को आपको यहाँ पर इसमें क्लच में एक लाइन दी होती है, उस लाइन पे ही आपको इसको फिटिंग करना होता है।
तो वो कलर कोड आपको इसमें कलर्स में देखना होगा किस जगह पर है। तो जो कलर कोड है वो सामने मेरे को दिखा है, ये इस जगह पर इसमें कलर कोड दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इस हब पे इस तरीके का ये कलर कोड दिया हुआ है, और सेम कलर कोड यहाँ सामने क्लच पे दिया हुआ है इस तरीके का। तो इसको अभी हम इस तरीके से लगा देते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ये आपको लगाना होता है। ओके, और ये आपको अच्छे से ग्रुप में इसमें फिक्स करना होगा। तो ये इस तरीके से ग्रुप में फिक्स हो जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इस कलर को इस कलर के सामने मैच करना होगा। तो ये है इसका पुराना लॉक, ओके, और ये है इसका न्यू लॉक। तो इस लॉक को हम लगा देते हैं अभी। तो इस लॉक को लगाने के लिए भी आपको इस लॉक का जो कट है, इस कट को आपको इस कलर के सामने ही रखना होता है, यानी कि इस तरीके से ही ये लॉक आपको फिक्स करना होगा। तो ये इस तरीके से फिटिंग करना होता है इसके लॉक को। तो ये लॉक है, हमने अभी इस तरीके से इसमें फिक्स कर दिया है, ओके, और इसको यहाँ इस तरीके से फिटिंग कर देते हैं। तो ये आपको इस तरीके से अंदर की साइड यहाँ पर इसमें लॉक करना होता है, और ये कट आपको इस दोनों का इस कलर के बीच में ही लेना होता है। तो ये इस तरीके से इसका जो लॉक है ये फिटिंग हो चुका है। तो उसको एक बार आप प्रॉपर से चेक कर लीजिए, अच्छे से बैठना होना चाहिए, ओके। तो ये जो क्लच है डुअल क्लच, तो अभी ये गियर है बिल्कुल रेडी है कार में लगने के लिए। तो अभी हम इस गियर को फिटिंग करेंगे कार के अंदर, फिटिंग होती है स्कैनर से, वो सेटिंग भी करेंगे, ओके। तो अभी मैं आपको एक बार इस क्लच को चेक करा देता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये फोर्क हैं क्लच के A1 क्लच के A2 के, इन दोनों को आपको एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये एक स्क्रू ड्राइवर है, इसकी हेल्प से आप यहाँ से इसको मैकेनिकली यानी कि मैनुअली आप इसको चेक कर सकते हैं क्लच काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो एक बार मैं आपको प्रेस करके चेक कराता हूँ। तो जैसे ही मैं अगर इस्क्रू ड्राइवर से इस फोर्क को इस तरीके से पुश करूँगा तो ये क्लच आप देखेंगे सामने जाम हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया इस तरीके से, ये देखिए फुली प्रेस किया, ये देखिए क्लच जाम हो चुका है, नहीं रोटेट हो रहा। और जैसे ही मैं इसको नीचे डाउन करता हूँ ये देखिए क्लच अपनी जगह काम कर रहा है, यानी कि जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है उस कंडीशन में ये इस तरीके से रोटेट होता रहता है। लेकिन जैसे ही आप गार्ड में यानी कि जब भी आप कार को ड्राइव मोड पे या रिवर्स मोड पे सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो फोर्क होता है ये इस कंडीशन पे आ जाता है इस तरीके से। तो ये व्हील को रोटेट करने का काम करता है, ओके। तो इस तरीके से पावर ट्रांसफ़र होती है ट्रांसमिशन के लिए, और ट्रांसमिशन से सीधे डिफरेंशियल से, और डिफरेंशियल से फिर एक्सल के लिए, ओके। तो ये व्हील पे ट्रांसफ़र होती है पूरा टॉर्क, वो क्लच के थ्रू ही होता है। तो ये अभी हमने इस जगह पर क्लच फ्री कर दी है और क्लच काम कर रही है बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं अभी हमने इसके छोटे वाले फोर्क को यानी कि छोटा वाला जो बैरिंग है उसको एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको प्रेस किया हुआ है। और यहाँ पर जो क्लच है ये देखिए एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, यानी कि जाम हो चुका है एकदम। और जैसे ही स्क्रू ड्राइवर अलग होता है, ये ड्राइवर जैसे ही इस फोर्क को फ्री कर देता है तो क्लच ये फोर्क परफेक्टली काम कर रहा है। तो अभी हमने आपको बड़े वाले फोर्क को दबा करके दिखाया था, अब छोटे वाले को भी दिखा दिया। तो दोनों क्लच एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो दोनों फोर्क का अलग अलग काम होता है, एक फोर्क काम करता है फर्स्ट 3, 5 और 7th गियर को शिफ्ट करने का, और दूसरा जो क्लच है वो काम करता है 2, 4, 6 एंड रिवर्स गियर को, इन दोनों गियर को वो कंट्रोल करने का काम करता है, ओके। तो यहाँ पर अभी हमने इस कार का जो ट्रांसमिशन है कि ट्रॉली जैक की हेल्प से इस ट्रांसमिशन को फिटिंग कर रहे हैं इस कार के अंदर। तो ये साइड फिटिंग है इसकी न्यू डुअल क्लच, और ये इस तरीके से हमें इसमें फिटिंग करना होता है इसके फ्लीव्हील को। तो ये इसका फ्लीव्हील है और इस पर ये ट्रांसमिशन को फिटिंग करना होगा। तो करते हैं इस ट्रांसमिशन को फिटिंग करो। तो इस जगह पर अभी हमने इसका जो ट्रांसमिशन है यहाँ पर माउंट कर दिया इसके ट्रांसमिशन माउंट के बोल्ट से, और यहाँ पर हम इसके गेयरबॉक्स के वॉजिंग के जो बोल्ट हैं इनको लगा रहे हैं। और इस जगह फिटिंग करेंगे हम इसकी स्टार्टर मोटर, और यहाँ पर फिटिंग करेंगे हम इसका मेगाटोनिक का वायरिंग हार्नेस सॉकेट, ओके। और इस जगह से आप टॉपअप और लेवल चेक कर सकते हैं इसके ट्रांसमिशन ऑयल की, इसके मेगाटोनिक ऑयल लेवल चेक करने के लिए आप इस प्लग को खोल के चेक कर सकते हैं, और गियर ऑयल टॉपअप करने के लिए आप यहाँ से इसमें गियर ऑयल टॉपअप कर सकते हैं, ओके। तो करते हैं इसकी पूरी कम्प्लीटली फिटिंग, जो भी इसके ट्रांसमिशन के माउंट वगैरह हैं, ओके, और जो भी इसके ड्राइव एक्सल हैं इनको सभी को फिटिंग करते हैं।
तो यहाँ पर अभी हमने इसका जो एयर फिल्टर असेंबली था इसको फिटिंग कर दिया, इसकी स्टार्टर मोटर जो है उसको फिटिंग कर दिया, इसका जो मेगाट्रॉनिक का वायरिंग हार्नेस सॉकेट है उसको भी लगा दिया, और यहाँ पर अभी हम फिटिंग कर रहे हैं इसकी बैटरी वगैरह और इसके ड्राइव एक्सल, और नीचे की साइड से भी पूरी फिटिंग थी इसकी कम्प्लीटली हो चुकी है। इस साइड हम फिटिंग करेंगे इसका टर्बोचार्जर इनटेक होस पाइप, और इस साइड फिटिंग करेंगे इसका ड्राइव एक्सल, और यहाँ पर फिटिंग करेंगे हम इसके व्हील जॉइंट एक्सल वगैरह। तो फाइनल फ्रेंड्स, अभी हमने कार पूरी कंप्लीट कर दी और अभी हम आए हुए हैं हाईवे पर इस कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं इस समय एनएच पे हूँ और इस कार के भी मैं लेने वाला हूँ टेस्ट ड्राइव। तो यहाँ पर हम भी हमने इस कार का ट्रांसमिशन था पूरा फुली कंप्लीट कर दिया, इसके जो भी फ्रंट व्हील वगैरह थे, ड्राइव एक्सल वगैरह थे, जो भी कार के पार्ट थे सभी कुछ कंप्लीट कर दिया, इसके नीचे की प्रोटेक्ट कवर सील्ड बम्पर गाइड वगैरह तो सारा एकदम कंप्लीट है, बस ओनली वॉशिंग के लिए रेडी है, तो वॉश करनी है। तो अभी मैं इससे पहले लेने वाला हूँ इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव, तो टेस्ट ड्राइव लेकर मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कार के अंदर। तो यहाँ पर हमने इसमें अपना स्कैन टूल जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है इस कार के अंदर, और ये हमने लिया इस कार को डी मोड पे, और ये सामने है इसका डिस्प्ले। तो सबसे पहले सीट बेल्ट, तो अभी हमने यहाँ पर इस जगह पर सीट बेल्ट लगा ली है और कार स्टार्ट है, और हमने गियर सेलेक्ट किया हुआ है D1, और इस समय जो कार ड्राइव हो रही है वो ड्राइव मोड पे है। स्पोर्ट्स मोड अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, मैनुअल मोड, स्पोर्ट्स मोड और ड्राइव मोड प्लस रिवर्स, ये हम आपको चार स्टेप्स में चेक कराने वाले हैं। तो अभी हम इस कार को डी मोड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो D2 सेलेक्ट हो चुका है यानी कि सेकेंड गियर लग चुका है इस कार के अंदर, और धीरे धीरे एक्सीलरेशन देते हैं इसमें, थर्ड गियर आ चुका है, स्पीड भी आप देख सकते हैं, फोर्थ गियर आ चुका है। तो मैं एक तरीके से इसको सिटी कंडीशन में ड्राइव कर रहा हूँ, अभी फिफ्थ गियर आ चुका है, कैसी भी कार में कोई जर्किंग या कोई नॉइज वगैरह नहीं है, एकदम परफेक्टली ओके है। सिक्स गियर आ चुका है, सेवेंथ गियर भी आ चुका है। तो ये जो कार है वो है DSG 7 स्पीड गियर। ओके, तो सेवेंथ गियर ऑल ओके हो चुके हैं यहाँ पर ड्राइव मोड पे, और अभी हम आपको स्पोर्ट्स मोड पे भी चेक करा देते हैं एक बार गियर को। तो अभी मैं कार को लेने वाला हूँ स्पोर्ट्स मोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S4 आ चुका है यानी कि स्पोर्ट्स फोर्थ गियर पर अभी कार रन हो रही है, जो RPM है वो काफ़ी हाई हो चुके हैं और जो गियर का रेशियो है वो भी बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे ट्रैफिक है, यहाँ पर हमें ब्रेकिंग करनी पड़ेगी इस जगह पर कार की। S3 आ चुका है, ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट भी हो रहा है, जैसे जैसे अप शिफ्ट होता है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ये डाउन शिफ्ट भी कर रहा है। अभी S3 में ड्राइव हो रही है, आगे ट्रैफिक सिचुएशन कुछ ज्यादा हार्ड है। S2, S1, कार रुकी हुई थी और ये अब हम कार को फर्स्ट गियर में फिर से रन कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर आपको चेक कराने वाले हैं इसमें मैनुअल मोड, तो कार को हम लेते हैं मैनुअल मोड। तो उसके लिए आपको कार को डी मोड पे लेना होता है, पहले डी मोड पे लेने के बाद में आपको जो गियर लीवर इसको लेफ्ट साइड लेना है इस तरीके से, जैसे ही आप लेते हैं तो ये मैनुअल मोड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड ऑप्शन है प्लस और माइनस का। तो अगर आप गियर लीवर को आगे की साइड प्रेस करते हैं तो ये प्लस गियर होता है यानी कि अप शिफ्टिंग होती है, और अगर पीछे की साइड माइनस करते हैं तो डाउन शिफ्टिंग होती है। तो एक बार मैं आपको डाउन शिफ्टिंग करके दिखाता हूँ, अभी जैसे कि कार सिक्स गियर में रन कर रही है और मैं इसको डाउन शिफ्टिंग करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ गियर आ चुका है, एक बार और डाउन शिफ्ट करता हूँ, फोर्थ, 3, 2 और ये देखिए 1, फर्स्ट गियर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं अभी आपको अप शिफ्ट करके दिखाऊंगा मैनुअली, तो अभी हम इसमें अप शिफ्ट करेंगे, ये सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, सेवेंथ गियर,
तो आप यहाँ इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पर चेक कर सकते हैं, सेवन्थ गियर में कार ड्राइव हो रही है, एकदम परफेक्ट रन कर रही है, कोई जर्किंग वगैरह नहीं है या कोई वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं है कार के अंदर। जो शिफ्टिंग है वो एकदम स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग में कोई हार्डपन नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम इसे डी मोड पे कर देते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा स्पीड लिमिट को और व्हीकल लोड को, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग करेगा गियर की। तो अभी मैंने कार को डी मोड पे डाल दिया है, और साथ ही साथ आप इसके पैडल शिफ्टर भी यूज कर सकते हैं। तो पैडल शिफ्टर आप यूज करने के लिए ध्यान में रखना है, ये आपको स्टीयरिंग व्हील पे लेफ्ट साइड जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड दिया हुआ है इसका माइनस शिफ्टर, और जो राइट साइड है ये है इसका प्लस शिफ्टर। जिस तरीके से आप यहाँ से इसको यूज कर रहे थे, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं टिप्ट्रॉनिक, और स्कोडा इसको टिप्ट्रॉनिक बोलती है। और जो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे जो प्लस और माइनस के बटन दिए हुए हैं, ये इसके हैं पेडल शिफ्टर। तो अगर आप इसको प्लस की तरफ इस तरीके से यूज करते हैं, तो मैनुअल मोड में कार ऑटोमेटिकली चली जाती है, और ऑटोमेटिकली जब भी आप इस पेडल शिफ्टर को बंद कर देते हैं, तो कुछ मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड में कार रन होने लगती है। तो ये जो फीचर्स होता है ये ऑटोमेटिक के लिए होता है, और वो जो फीचर्स है वो मैनुअल मोड के लिए। जब आपको मैनुअली कार ड्राइव करने में मजा आता है, एक अलग सा एक्सीलरेशन चाहिए आपको या वो फील चाहिए गियर वाली, तो वो चीज़ आप इसमें यहाँ से यूज कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको पैडल शिफ्टर यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको माइनस शिफ्ट कर देता हूँ, ये देखिए गियर माइनस हो चुका है, एक और माइनस करता हूँ, ये देखिए माइनस हो चुका है, आरपीएम हाई हो चुके हैं। और अभी मैं इसको अप शिफ्टिंग करता हूँ, तो ये पैडल शिफ्टर में प्लस वाला प्रेस करूँगा, ये देखिए गियर चेंज हो चुका है फोर्थ, एक और बार चेंज कर देता हूँ, ये देखिए फिफ्थ गियर चेंज हो चुका है। ओके, तो ये प्लस वाला पैडल शिफ्टर है और ये माइनस वाला है, तो ये भी एक तरीके से मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह काम करते हैं दोनों पैडल शिफ्टर, जो कि हर किसी व्हीकल में नहीं आते हैं। स्कोडा के कुछ सुपर्ब हुआ लोरा में ये नहीं आता है, ऑडी में भी कुछ मॉडल में ये पैडल शिफ्टर आता है, बीएमडब्ल्यू में भी कुछ मॉडल में ही आते हैं। ओके, तो ये हमने अभी आपको चेक कराया इसका मैनुअल मोड और डी मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो डी मतलब ड्राइव मोड जो होता है, नॉर्मली आपको अगर एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और अच्छा एवरेज माइलेज चाहिए, उसके लिए डी मोड सबसे बेस्ट मोड है ड्राइव के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और स्पोर्ट्स मोड जब के लिए होता है, जब भी आप कार को एक हाई आरपीएम पर ले जाने के बाद उसकी शिफ्टिंग को चाहते हैं, गियर शिफ्ट थोड़ा लेट हो, उसके लिए आप इसमें स्पोर्ट्स मोड यूज कर सकते हैं। और अच्छा एवरेज चाहिए आपको तो उसके लिए, और ज़्यादा लाइफ चाहिए क्लच की, और एक अच्छे टाइम तक इंजन की लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आप डी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कार को अच्छे से जो उसका ट्रांसमिशन था उसके अंदर जो भी डुअल क्लच थी वो मैंने आपको फिटिंग करके दिखा दिया है, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके डुअल क्लच में, और किस तरीके से इसकी जो क्लच थी वो बेकार हो चुकी थी। तो ये कार हमारे पास आई हुई थी नोएडा से टो होकर के, जबकि बेसिकली कार है अपने यहाँ आगरा की ही लोकल की, लेकिन ये कार नोएडा में ख़राब हो गई थी। तो ये इस कार में काफ़ी हाई प्रॉब्लम बताई गई थी, तो उन्होंने कहा था इसका ट्रांसमिशन ही चेंज होगा या जो भी इसका मेगाट्रॉनिक वगैरह है ये सारे पार्ट इसमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन इस कार में जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम हमने इसमें सॉर्ट आउट की है, तो जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दी है। और हमने आपको अभी कार को फिटिंग करने के बाद टेस्ट ड्राइव लेके भी चेक कराया था, सारे फंक्शन एकदम बेसिकली जो भी फंक्शन है सारे एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, अब कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बनाना भूलिए, साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी। Thank you.